आइए दोस्तों बात करते हैं आज 4 अप्रैल 2020 शनिवार के मुख्य समाचार और टुडे ब्रेकिंग न्यूज के इस वीडियो में अपन जानेंगे आज देश भर की तमाम बड़ी खबरों को, सरकार की तरफ से बड़े ऐलान, बड़ी घोषणाएं हैं। इसके अलावा लॉकडाउन के बाद आपका गाड़ी बाइक कार व्हीकल चलाना सस्ता हो जाएगा, सरकार ने इसको लेकर भी एक बड़ा फैसला लिया है। और राशन कार्ड वालों के लिए भी बड़ा अपडेट आ रहा है, एक एक करके तमाम अपडेट्स को जानेंगे इस वीडियो में। बने रहेगा हमारे साथ इस वीडियो में और एकदम पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा। बड़ी खबर आप देख पा रहे होंगे, लॉकडाउन के बाद कार चलाना आपका सस्ता हो जाएगा, सरकार ने इसको लेकर एक बड़ा फैसला लिया। तो दरअसल आपको बता दें इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड IGL ने गुरुवार को CNG और PNG के दामों में कटौती की है और ये नई रेटें कल सुबह 6 बजे से लागू हो चुकी है ऑलरेडी। इसका मतलब ये है दोस्तों कि लॉकडाउन के बाद CNG कार चलाना सस्ता हो जाएगा, CNG के दामों में 3 रुपए प्रति किलो और PNG के दामों में 1.5 रुपए प्रति किलो तक की कटौती हुई है। कहां कहां ये रेटें लागू होगी, कब से, जानकारी आप देख सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों आपको बताऊंगा कि सरकार की तरफ से मोटर इंश्योरेंस पॉलिसी को लेकर भी रिन्यू कराने की तारीख को 21 अप्रैल तक बढ़ा दिया। इसके बारे में जानकारी हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं, यानी कि अगर आपकी कार बाइक का इंश्योरेंस एक्सपायर हो रहा है तो 21 अप्रैल तक आपको रिन्यू कराने की जरूरत नहीं है। और साथ ही अगला अपडेट देख पा रूंगे कि ट्रंप के एक कॉल से कच्चे तेल में प्राइस वॉर छिड़ गई है, दामों में आग लग गई है। आप देख सकते हैं गुरुवार को कच्चे तेल के दाम में जबरदस्त बढ़ोतरी दर्ज की गई। तो दरअसल बात कुछ यूं है कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट करके उम्मीद जताई कि रूस और सऊदी अरब कच्चे तेल के उत्पादन में कटौती कर प्राइस वॉर को खत्म कर सकते हैं। उधर सऊदी अरब ने भी तेल निर्यातक देशों के संगठन OPEC और अन्य सहयोगी तेल उत्पादक देशों की अचानक से बैठक बुलाई ताकि तेल के बाजार को बैलेंस किया जा सके और इस पर कोई समझौता हो सके। इस खबर के बाद तेल को जैसे पंख से लग गए और तेल की शुरुआती कारोबार में 47% तक बढ़ोतरी देखी गई। और साथ ही नेक्स्ट अपडेट देख सकते हैं दोस्तों, भारत में चल रही इस बीमारी, भारत कहना गलत होगा दोस्तों, पूरी दुनिया में चल रही इस बीमारी से लड़ने के लिए भारत को 100 करोड़ डॉलर देगा वर्ल्ड बैंक। हालांकि वर्ल्ड बैंक ने सभी देशों की मदद करने का ऐलान किया, लेकिन ऐसे में भारत को 100 करोड़ डॉलर की सहायता राशि वर्ल्ड बैंक की तरफ से दी जाएगी, जिसमें दोस्तों स्क्रीनिंग से लेकर आइसोलेशन वार्ड बनाने पर खर्चा भारत सरकार इस्तेमाल कर सकेगी। 100 करोड़ डॉलर यानी कि तकरीबन 76 अरब रुपए की आपातकालीन वित्तीय सहायता वर्ल्ड बैंक की तरफ से भारत को दी जाएगी। और साथ ही अगला अपडेट देख सकते हैं, व्हाट्सएप यूजर्स के लिए बड़ी खबर आई है, नए फीचर्स में आप मैसेज की टाइमिंग खुद तय कर पाएंगे। जी हां दोस्तों, मैसेजिंग एप्लीकेशन व्हाट्सएप अपने फीचर्स में बदलाव की तैयारी कर रहा और ऐसे में आपको एक नया अपडेट मिलने वाला। इस फीचर का नाम है एक्सपायरिंग मैसेज फीचर और इस फीचर के बाद दोस्तों आप व्हाट्सएप में ये तय कर पाएंगे कि किसी को मैसेज भेजते हो तो थोड़ी देर बाद वो अपने आप डिसअपीयर यानी कि गायब हो जाएगा। इसके लिए आप खुद ब खुद टाइमिंग सेट कर पाओगे, यानी कि अभी आप मैसेज को मैनुअली डिलीट कर सकते हो ना, लेकिन इस फीचर के बाद ऑटोमेटिक शेड्यूल डिलीट हो जाएगा मैसेज। और साथ ही अगला अपडेट देख पा रहे, मोदी सरकार ने जैसा कि घोषणा की थी उसके अनुसार महिलाओं को खुशखबरी दी है और केंद्र सरकार ने 4 करोड़ से भी ज्यादा जनधन खाताधारकों में 500-500 रुपए ट्रांसफर कर दिए। पहली किस्त जमा हो चुकी है और जिन लोगों के खातों में नहीं आए उनके बारे में हमने आपको कल जानकारी बताई थी, 2-3 दिन के अंदर उनके खातों में भी पैसे आ जाएंगे। और साथ ही नेक्स्ट अपडेट देख पा रहे, किसानों के लिए भी सरकार ने बड़ी खुशखबरी दी है, एक नया पोर्टल लॉन्च किया जिसकी मदद से किसानों की जिंदगी आसान हो जाएगी। जी हां, सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक कृषि बाजार मंच ई नाम से नई सुविधाओं की शुरुआत की है, जिससे कि किसान उत्पादक संगठनों के गोदामों के साथ साथ संग्रह केंद्रों से भी सीधा व्यापार कर सकेंगे। सरकार ने देश में अभी जो बीमारी चल रही है इसके खतरे के बीच थोक बाजारों में भीड़ भाड़ को कम करने के लिए ये बड़ा कदम उठाया, यानी कि किसान ऑनलाइन ही अपनी खेती बाड़ी से संबंधित बहुत सारे काम कर पाएंगे। इसको लेकर सरकार 3 सॉफ्टवेयर मॉड्यूल की शुरुआत कर रही है, कौन कौन से, तो तीनों पॉइंट आप देख सकते हैं, वेयर हाउस आधारित ट्रेडिंग मॉड्यूल, सेकंड है FPO का ट्रेडिंग मॉड्यूल और तीसरा है लॉजिस्टिक मॉड्यूल। ये नई सुविधाएं किसानों के लिए सरकार शुरू करने जा रही है। और साथ ही अगला अपडेट देख पा रहे दोस्तों की घर पर ही आप मिनटों में इस बीमारी के पॉजिटिव या नेगेटिव केस की टेस्टिंग कर पाएंगे। बायोन कंपनी जो है वो इसके लिए होम स्क्रीनिंग टेस्ट किट तैयार कर रही है और बहुत जल्द ये टेस्ट किट आपको मार्केट में भी देखने मिल जाएगा और इसकी मदद से आप घर पर ही चेक कर पाओगे। ये किट पड़ेगा तकरीबन 2,000 से 3,000 रुपए के बीच, लेकिन घर पर ही आपको सटीक नतीजा कुछ ही मिनटों में मिल जाएगा कि कहीं आप तो इस बीमारी से ग्रसित नहीं हो गए। देखते हैं कब तक ये आता है और इसको WHO की कब तक इजाजत मिलती है रीसेलिंग के लिए। और साथ ही अगला अपडेट देख पाऊंगे, उत्तर प्रदेश के अंदर सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया, योगी सरकार ने महावीर जयंती और गुड फ्राइडे के दिन भी बैंक खुले रहेंगे, छुट्टियां जो थी उनको रद्द कर दिया। उत्तर प्रदेश में 6 से लेकर 10 अप्रैल तक बैंक खुले ही रहेंगे। और नेक्स्ट अपडेट देख सकते हैं कि खेतों में न लगने दी जाए 5 से अधिक लोगों की भीड़, किसानों के लिए सरकार ने एडवाइजरी जारी किया। जी हां, कृषि मंत्रालय ने रजिस्टर्ड किसानों के पास एक मैसेज भेजा, इसमें अन्नदाताओं की भलाई के लिए सरकार ने एक नया दिशा निर्देश जारी किया और उसमें कहा गया दोस्तों की कटाई बुआई वगैरह फसलों की किसी भी तरह का काम करने के दौरान 5 व्यक्तियों से ज्यादा की भीड़ न लगने दी जाए। जानकारों का कहना है दोस्तों की इससे किसानों की हालांकि मुसीबत बढ़ सकती है, लेकिन ये जरूरी है, अभी जो देश में इस बीमारी का मसला चल रहा है इसको खत्म करने के लिए जरूरी है। और साथ ही किसानों से ये भी अपील की गई है कि खेतों में काम करने के दौरान भी वो 1 मीटर की दूरी बनाए रखें, मुंह पर मास्क लगाए रखें, इसके अलावा अपने हाथों को समय समय पर साबुन या सैनिटाइजर से साफ करते रहें। किसी भी समस्या के समाधान के लिए आप जिले के कृषि अधिकारी से संपर्क कर सकते हैं। चलिए अगला अपडेट देख पा रहे होंगे दोस्तों, यूट्यूब कंपनी एक नया एप्लीकेशन लाने जा रही है जिसका नाम होगा शॉर्ट्स, जो कि टिकटॉक को टक्कर देगा। शॉर्ट वीडियो मेकिंग एप्लीकेशन होगी ये, जिस तरह से आपको टिकटॉक में फीचर्स मिलते हैं उसी तरह का नया प्लेटफॉर्म यूट्यूब भी लाने जा रहा है और उम्मीद है 2020 अंत तक इसे लॉन्च किया जा सकता है। यूट्यूब का लक्ष्य है टिकटॉक से इसका मुकाबला करना, देखते हैं आखिर यूट्यूब का ऐप कितना मार्केट कवर कर पाता है। अगला अपडेट देख पा रहे होंगे, फिलहाल दोस्तों लॉकडाउन के बीच इन राज्यों में पेट्रोल डीजल की रेटें बढ़
चुकी है। और वजह क्या, नई रेटें कितनी बढ़ी हैं? तो दरअसल आपको बता दें, भारत में चल रहे लॉकडाउन की वजह से पेट्रोल डीजल की मांग में कमी आई है। 1 अप्रैल से BS6 फ्यूल की शुरुआत पूरे देश में हो चुकी है। उसी दिन इन 3 राज्यों में पेट्रोल डीजल के दाम में बढ़ोतरी दर्ज की गई। कौन कौन से राज्यों में कितनी रेटें बढ़ी है तो आप देख सकते हैं, कलकत्ता, बंगलुरु और राजस्थान के कुछ शहरों में पेट्रोल डीजल की रेटें बढ़ी है। इसके अलावा देश के 4 बड़े महानगरों में अभी रेटें क्या चल रही है आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, चेन्नई में। और इसके साथ ही नेक्स्ट अपडेट देख पाएंगे दोस्तों की ट्रेन टिकट बुकिंग में सिर्फ बीमार छात्रों और दिव्यांगों को ही रियायत मिलेगी। रेलवे की तरफ से यह स्पष्टीकरण दिया गया, इंडियन रेलवे ने लॉकडाउन खत्म होने के हिसाब से 15 अप्रैल से टिकटों की एडवांस बुकिंग शुरू कर दी है। लेकिन रेलवे ने साफ कर दिया दोस्तों कि IRCTC की सस्ती टिकट जैसी रियायतें फिलहाल सिर्फ रोगियों को, छात्रों को या दिव्यांग जनों को ही मिल सकेगी, दूसरे लोगों को इन स्कीम का फायदा नहीं मिलेगा। और नेक्स्ट अपडेट देख सकते हैं, राशन कार्ड को लेकर भी मोदी सरकार ने बड़ा तोहफा दिया, अब आपको नया राशन कार्ड नहीं बनवाना पड़ेगा। तो दरअसल दोस्तों, वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम शुरू होने के बाद भी आपको नया राशन कार्ड बनवाने के लिए अप्लाई नहीं करना पड़ेगा। इसके बारे में विस्तृत जानकारी का एक वीडियो हम आपको DLS न्यूज के ऊपर कल नाइट में दे चुके हैं, तो उसका लिंक आपको इसके नीचे मिल जाएगा, जरूर चेक कीजिएगा। सरकार ने राशन कार्ड पर स्कीम भी निकाली है। इसके तहत हर परिवार के हर व्यक्ति को 5 किलो अनाज और 1 किलो दाल मुहैया कराई जाएगी। जो भी गरीब कैटेगरी में आते हैं उन सभी को सरकार की स्कीम मिलेगी, तो उस वीडियो में आप ज्यादा जानकारी चेक कर सकते हैं। फिलहाल अगला अपडेट मौसम समाचार को लेकर देख पाऊंगे, 5 अप्रैल को उत्तर भारत में बारिश के साथ दस्तक देगा पश्चिमी विक्षोभ, और इसके चलते किन किन राज्यों में बारिश की चेतावनी जारी की गई है। नया पश्चिमी विक्षोभ उत्तर भारत में आने जा रहा, और इसके चलते दोस्तों अगले 24 से 48 घंटों के दौरान कई राज्यों में बारिश हो सकती है। पूर्वोत्तर भारत में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। तेलंगाना और विदर्भ के कुछ हिस्सों में भी बारिश हो सकती है। इसके अलावा दोस्तों 24 घंटों के दौरान इन दो राज्यों में आंधी और तेज बारिश की चेतावनी भी है। अगले 24 घंटों के दौरान तेलंगाना और विदर्भ के कुछ हिस्सों में अलग अलग जगहों पर हल्की बारिश और आंधी आने की संभावना भी है। स्काईमेट के वेदर पूर्वानुमान के अकॉर्डिंग ये खबर निकल कर आ रही है। और इसके अलावा मौसम समाचार को लेकर और एक अपडेट देख सकते हैं दोस्तों, मानसून भविष्यवाणी को लेकर 31 मई को आएगा मानसून, और इस बार दोस्तों देश में खूब बरसात होने की मौसम विभाग की भविष्यवाणी निकल कर आ रही है। जहां एक तरफ देश में गर्मियों की शुरुआत हो चुकी है, वहीं मौसम विभाग की भविष्यवाणी करने वाली कंपनी ने देश में आने वाले मानसून की भी भविष्यवाणी कर दी है, और इसमें दावा किया जा रहा है दोस्तों कि इस साल का मानसून धमाकेदार होगा और जमकर पानी बरसेगा। मौसम की भविष्यवाणी करने वाली निजी कंपनी स्काईमेट का दावा है दोस्तों कि 31 मई को मानसून की शुरुआत देश में हो जाएगी। और भी ज्यादा जानकारी इसको लेकर आप देख सकते हैं। और साथ ही नेक्स्ट अपडेट की बात करें दोस्तों, तो फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी ने भी पीएम केयर्स में डोनेशन किया। उन्होंने अपनी सैलरी से 1 लाख रुपए देने की घोषणा की है पीएम केयर फंड में। और साथ ही नेक्स्ट अपडेट देख सकते हैं दोस्तों, देश में चल रही इस बीमारी से संक्रमित लोगों की संख्या 2500 से ज्यादा हो चुकी है, 2500 के समथिंग पहुंच चुकी है। और दिल्ली सरकार ने इसको लेकर हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए हैं। अगर आप दिल्ली राज्य में रहते हैं तो मुख्यमंत्री केजरीवाल जी सरकार की तरफ से ये हेल्पलाइन नंबर जारी किए गए हैं, किसी भी तरह की सहायता आप ले सकते हैं, 8800007722। इन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं इस बीमारी से संबंधित किसी भी तरह की हेल्पलाइन के लिए। और साथ ही अगला अपडेट देख सकते हैं, भारतीय स्टेट बैंक SBI ने अपने कर्मचारियों को चेताया दोस्तों कि बैंक के खिलाफ अगर सोशल मीडिया पर कोई भी गलत जानकारी पोस्ट की तो कार्यवाही की जाएगी। क्योंकि दोस्तों आजकल बैंक में कर्मचारियों की कमी है, बहुत सारे कर्मचारी घर पर ही हैं, इसके चलते बैंक कर्मचारियों को परेशानियां भी हो रही हैं। लेकिन उसके बावजूद SBI का कहना है कि बैंक कर्मचारी सोशल मीडिया पर कोई भी गलत जानकारी शेयर ना करें। और साथ ही नेक्स्ट अपडेट देख सकते हैं, सिंगापुर में भी 7 अप्रैल से 1 महीने के लिए लॉकडाउन लागू हो चुका है। जहां जो कदम भारत सरकार पहले से उठा चुकी है दोस्तों, दूसरे देश भी अब उन्हीं कदमों को फॉलो कर रहे हैं, उन्हीं कदमों को उठा रहे हैं, क्योंकि इस बीमारी पर नियंत्रण पाने के लिए ये बहुत ही अहम कदम है। लॉकडाउन लगाना बहुत जरूरी है ताकि लोग एक दूसरे से दूर रहें, संपर्क में ना आए और इसके चलते संक्रमण ना बढ़े, और अब सिंगापुर देश ने भी ये लगा दिया देख सकते हैं। और साथ ही नेक्स्ट अपडेट देख पाऊंगे कि सचिन, गांगुली, कोहली, धोनी से पीएम मोदी ने मांगा साथ और कहा कि देश की इस जंग में टीम इंडिया की तरह भारत को हमें विजय बनाना। दरअसल दोस्तों कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने वीडियो मैसेजिंग के जरिए भारत के क्रिकेटर्स के साथ में बातचीत की, वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए, जिसमें बड़े दिग्गज खिलाड़ी शामिल हुए थे देश के, और इस दौरान इस बीमारी को लेकर चर्चा हुई और उन्होंने किसी भी तरीके के द्वारा देश में इस बीमारी की जंग को लड़ने में मदद मांगी है खिलाड़ियों से भी। और उम्मीद है दोस्तों कि देश के खिलाड़ी भी भारत को जरूर सपोर्ट करेंगे और प्राइम मिनिस्टर जी की बात मानेंगे। और साथ ही अगला अपडेट देख सकते हैं, देश में इस संकट को बचाने के लिए अब घर घर पहुंचेगा सैनिटाइज्ड सिलेंडर। आखिर सरकार एक और नई सुविधा शुरू कर चुकी है लोगों के लिए सोशल डिस्टेंस को बनाए रखने के लिए। अब आपको दोस्तों गैस सिलेंडर लेने के लिए गैस एजेंसी के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सैनिटाइज्ड करके सिलेंडर को आपके घर तक पहुंचाया जाएगा, यानी कि कीटाणु रहित बना करके, जिससे कि आपके साथ किसी भी तरह का इन्फेक्शन ना फैले। इसके लिए पेट्रोलियम कंपनियों को सरकार ने आदेश भी जारी कर दिया, तो ज्यादा जानकारी इसको लेकर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। और साथ ही अगला अपडेट देख पा रहे, शाहरुख खान ने KKR के साथ मिलकर एक बड़ा ऐलान किया, पीएम केयर्स फंड के साथ यहां करेंगे दान। जी हां, हालांकि दोस्तों पीएम केयर फंड में देश को उबारने के लिए कई सारी बड़ी हस्तियों ने दान किए हैं। अक्षय कुमार जी ने 25 करोड़ दान किए, इसके अलावा रिलायंस ने, टाटा कंपनी ने, TVS ने, हीरो होंडा ने, सभी ने डोनेट भी किए देश के कई बड़ी हस्तियों ने। और इसी बीच दोस्तों अब किंग शाहरुख खान भी सामने आ चुके हैं, उन्होंने एक और ऐलान किया दोस्तों कि 5500 परिवारों को मुंबई के अंदर 1 महीने तक वो खाना खिलाएंगे। इसके अलावा संकट से जूझ रहे दिहाड़ी मजदूरों को मील किट भी उपलब्ध करवाएंगे। तो ये शाहरुख खान की तरफ से अच्छी घोषणा। और साथ ही अगला अपडेट देख पा रूंगे, लॉकडाउन के बीच पेंशनरों के लिए योगी आदित्यनाथ सरकार ने एक मुश्त जारी किए 871 करोड़, जिससे कि बुजुर्गों और दिव्यांग जनों को एडवांस्ड पेंशन मिल पाएगी। जहां दोस्तों देश में चल रही इस बीमारी के चलते 21 दिनों के
के लॉकडाउन के बीच उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने 86 लाख वरिष्ठ नागरिकों, विधवाओं और विकलांगों को एडवांस्ड पेंशन जारी कर दी। इसके लिए उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से 871 करोड़ रुपए की राशि भी जारी की गई है। यह रकम सीधे पेंशनर्स के बैंक खाते में ट्रांसफर की जाएगी। इससे पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सूबे के अलग अलग हिस्सों में स्थित पेंशनर्स से बातचीत भी की है। और इसके साथ ही नेक्स्ट अपडेट देख सकते हैं। अब आपके स्मार्टफोन की लोकेशन भी मदद करेगी इस बीमारी की रोकथाम के लिए। गूगल कंपनी ने इसको लेकर एक नया प्लान बनाया। तो दरअसल आपको बताऊंगा, हम सभी के मोबाइल फोन में गूगल मैप्स वगैरह तो इंस्टॉल रहते हैं। हम एंड्रॉइड मोबाइल में दोस्तों डायरेक्ट या इनडायरेक्टली किसी भी तरीके से अपनी लोकेशन को कंपनी के साथ जरूर शेयर करते हैं, राइट। और ऐसे में गूगल कंपनी ने एक नया कदम उठाया। देश और दुनिया की अलग अलग सरकारों को वो आपकी लोकेशन का डेटा भेजेगी, जिससे कि वह ये पता चल जाएगा कि कहीं एक ही जगह पर बहुत सारे लोग तो इकट्ठे नहीं हो रहे। यही फीचर गूगल कंपनी गूगल मैप में इस्तेमाल करती है। जब कहीं पर ट्रैफिक जाम हो जाता है तो उसके बारे में भी आपको जानकारी मिल जाती है कि वहां पर ट्रैफिक जाम है, क्योंकि पता चल जाता है कि एक साथ बहुत सारी लोकेशन एक ही जगह से आ रही है। तो ये डेटा गूगल कंपनी अब मोदी सरकार को और दुनिया की अलग अलग सरकारों को देगी, अच्छी बात है। और साथ ही नेक्स्ट अपडेट देख सकते हैं दोस्तों कि सचिन तेंदुलकर जी ने मोदी सरकार के साथ बातचीत में एक खुलासा किया। पीएम ने कहा कि 14 अप्रैल के बाद भी आराम से नहीं बैठ सकते हैं। जी हां दोस्तों, जहां देश में आपको पता होगा 21 दिनों के लिए लॉकडाउन कर दिया गया, 14 अप्रैल को यह समाप्त भी हो जाएगा, लेकिन इसी अभियान को चलाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो है वो देश की प्रमुख दिग्गज हस्तियों के साथ लगातार मुलाकात भी कर रहे हैं। और इसी बीच आपको पता होगा कल सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ भी बातचीत की, इसके अलावा खिलाड़ियों के साथ भी बातचीत की। इस दौरान उन्होंने कहा दोस्तों कि 14 अप्रैल को भले ही लॉकडाउन खत्म हो रहा है, लेकिन इसके बाद का समय भी इसके खिलाफ लड़ाई के लिए अहम होगा। यानी कि 14 अप्रैल के बाद भी हमें सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखना जरूरी होगा। ऐसा नहीं कि 14 अप्रैल के बाद पूरी आजादी हो जाएगी, उसके बाद भी दोस्तों अगर आपका कोई महत्वपूर्ण काम हो तभी आप घर से बाहर निकलें, अन्यथा ना निकलें। और साथ ही नेक्स्ट अपडेट देख सकते हैं, ICMAI ने CMA एग्जाम को भी रद्द कर दिया और इसकी तारीख को आगे बढ़ा दिया। अभी जो देश में घड़ी चल रही है संकट की, इसके चलते ये फैसला लिया गया। अब आप 20 अप्रैल तक इसके एग्जाम के लिए बिना लेट फीस आवेदन कर सकते हैं। और नेक्स्ट अपडेट देख सकते हैं दोस्तों कि कर्मचारियों को नौकरी से नहीं निकाल सकेंगे, न ही वेतन काट सकेंगे। लॉकडाउन के हालातों के बीच गुजरात सरकार की तरफ से बड़ी घोषणा की गई है, व्यापार उद्योग और रोजगार पर इसका उल्टा असर पड़ रहा। हालांकि लेकिन इसी बीच राज्य सरकार का कहना है कि प्राइवेट क्षेत्र में काम करने वाले कर्मचारियों को कोई भी फैक्ट्री मालिक, दुकानदार या पंजीकृत ठेकेदार जो है वो अपने कर्मचारियों को लॉकडाउन के दौरान नौकरी से नहीं निकाल सकता। इसके अलावा लॉकडाउन की अवधि के दौरान उनका वेतन यानी कि तनख्वाह भी ना काटी जाए। गुजरात के मुख्यमंत्री ने संबंधित जिला कलेक्टरों को यह सुनिश्चित करने को कहा कि असंगठित क्षेत्र के कामगारों, श्रमिकों को भी उनके मालिकों, उद्योग व्यापार संचालकों द्वारा लॉकडाउन के दौरान किसी से नौकरी से ना निकालने की अपील की। और उम्मीद है दोस्तों कि प्राइवेट सेक्टर के सभी जॉब देने वाले लोग इन बातों को जरूर फॉलो करेंगे। और साथ ही नेक्स्ट अपडेट देख सकते हैं कि भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि RBI ने ट्रेडिंग का समय बदल दिया, बैंकिंग सेवाओं को लेकर ये जानकारी भी दी है। जी हां दोस्तों, अभी जो देश में आउटब्रेक चल रहा है, लॉकडाउन चला, उस दौरान RBI ने करेंसी मार्केट के ट्रेडिंग टाइमिंग में चेंज कर दिया। RBI द्वारा जारी किए गए नए सर्कुलर में बताया गया कि नया समय 7 अप्रैल से लागू होगा और 17 अप्रैल 2020 तक के लिए लागू रहेगा। टाइमिंग क्या रहेगी, तो इस सर्कुलर के मुताबिक अब मार्केट सुबह 9 बजे के बजाय 10 बजे खुलेंगे और सभी सेगमेंट में क्लोजिंग टाइमिंग दोपहर 2 बजे का होगा। इस तरह से 7 से लेकर 17 अप्रैल के बीच कुल 4 घंटों के लिए ही शेयर मार्केट जो है खुला रहेगा। किन किन मार्केट्स के लिए टाइमिंग बदली है, तो केंद्र सरकार की सर्कुलर के मुताबिक आप देख सकते हैं सिक्योरिटीज, स्टेटमेंट डेवलपमेंट लोन्स, ट्रेजरी बिल्स मार्केट, इनकी टाइमिंग में बदलाव हुआ। और साथ ही नेक्स्ट अपडेट देख सकते हैं दोस्तों कि पाकिस्तान के राय विंड में भी घर से बाहर निकलने पर सख्त मनाही लगा दी है, मेडिकल स्टोर तक भी बंद कर दिए। तो दूसरे देशों की सरकारें भी अब वो कदम उठा रही है जो कदम 10 दिन पहले हमारी भारत सरकार उठा चुकी है। ये वाकई में दोस्तों बहुत अच्छा हुआ भारत में, वरना अब तक तो इस पर बहुत ज्यादा मामला बढ़ चुका होता और कंट्रोल करना भी मुश्किल हो चुका होता। अब देखिए आप, पाकिस्तान सरकार भी इस तरह का फैसला ले चुकी है। और इसके अलावा अगला अपडेट देख सकते हैं, केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों को इमरजेंसी फंड भी जारी कर दिया। तेजी से जो संक्रमण के मामले बढ़ रहे हैं, इसके चलते राज्य सरकारों को इमरजेंसी फंड दिया गया ताकि राज्य में गरीबों को कोई दिक्कत ना आए। इसको लेकर देख सकते हैं 6,195 करोड़ रुपए की अतिरिक्त सहायता राशि और जारी की गई है। आंध्र प्रदेश, असम, हिमाचल प्रदेश, केरल, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, पंजाब, सिक्किम, तमिलनाडु, त्रिपुरा, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल राज्यों को यह सहायता राशि दी गई है। और साथ ही नेक्स्ट अपडेट देख सकते हैं, फेसबुक मैसेंजर का डेस्कटॉप एप्लीकेशन भी लॉन्च हो चुका है। मैकबुक और विंडोज को यह सपोर्ट करेगा। फेसबुक कंपनी ने अपने मैसेंजर एप्लीकेशन को वेब वर्जन के लिए यानी कि डेस्कटॉप वर्जन के लिए भी लॉन्च कर दिया। आप लैपटॉप, कंप्यूटर वगैरह डेस्कटॉप पर भी इसका इस्तेमाल कर पाएंगे। साथ ही अपडेट देख सकते हैं, बिहार की नीतीश सरकार ने भी बड़ा कदम उठाया। राशन कार्ड धारकों के खातों में 184 करोड़ रुपए की सीधी बैंक खातों में राशि ट्रांसफर की गई है। 1,000 रुपए सहायता राशि के रूप में प्रति परिवार को दिए गए। और अगला अपडेट देख सकते हैं दोस्तों कि SBI ने भी क्लर्क मैन एग्जाम को रद्द कर दिया इसी बीमारी के चलते। और साथ ही नेक्स्ट अपडेट देख सकते हैं, डॉल्बी कंपनी ने खास ऑडियो रिकॉर्डिंग मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया। प्ले स्टोर पर जाकर के आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, जिसमें आपको दोस्तों डिजिटल ऑडियो रिकॉर्डिंग और वीडियो रिकॉर्डिंग के ऑप्शंस मिलेंगे। डॉल्बी कंपनी का कहना है कि इसमें आप बेस्ट क्वालिटी की SD ऑडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। और एक अपडेट देख सकते हैं दोस्तों कि लॉकडाउन के बीच रामायण का जो दोबारा प्रसारण हुआ, उसमें TRP रेटिंग में बड़ा उछाल देखने को मिला, यानी कि लोग काफी सीरियल को वापस पसंद कर रहे हैं काफी दिनों के बाद। ओके दोस्तों, तो इसी कड़ी में आज की बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, टूटा ब्रेकिंग न्यूज का वीडियो ही फिनिश होता है। और हाँ, साथ ही आप हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताना दोस्तों कि आपके घर में भी रामायण, महाभारत, इस तरह के धार्मिक सीरियल्स को देखते हैं या नहीं। ये सत्वा नो आप मुझे नीचे कमेंट करके बताइएगा। और साथ ही अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर। और अगर आप DLS न्यूज पर पहली बार आए हैं तो
चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना ताकि आपको रोजाना के ताजा अपडेट्स तुरंत मिलते रहेंगे। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।